बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस सिल्वर्ड ऑन द प्लेन साइड बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। हाउएवर व्हेन सिल्वर्ड ऑन कॉन्वेक्स साइड इट बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लेनो कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, मतलब उसका एक साइड हमारा प्लेन है और एक साइड में हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम प्लेन साइड को सिल्वर कर रहे हैं तो ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है जिसका फोकल लेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूसरे केस में जब सेम यही लेंस को हमने किस साइड से सिल्वर किया है, कॉन्वेक्स साइड से सिल्वर किया है, देन इट इज बिहेविंग लाइक अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो ये है, फॉर अ कॉनकेव मिरर 1/f, f क्या है इसका फोकल लेंथ, ये दिस इज इक्वल टू 2/f प्लस 1/fm, ठीक है। और हम यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज करेंगे, वी विल यूज फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें पता है कि हमारा लेंस फॉर्मूला, फोकल लेंथ फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ इज, फोकल लेंथ फॉर्मूला विच गिव्स 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r। आर क्या होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ क्या होता है हमारा फोकल लेंथ, एंड म्यू क्या हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे। अब देखिए फर्स्ट केस में व्हेन प्लेन साइड is silvered, therefore हमारा जो एफ एम है ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा के हिसाब से हमारा 1/, और इस केस में हमारी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया हमारा कैपिटल एफ। 1/f इज इक्वल टू 2/f, स्मॉल एफ हमारा फोकल लेंथ है लेंस का, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये 1/60 इज इक्वल टू 2/f प्लस 1/fm था, इन्फिनिटी है तो ये टर्म क्या हो जाएगा पूरा जीरो हो जाएगा। इससे हमको f की वैल्यू क्या मिल गई, 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 120 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास आ गई फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब दूसरे केस में देखिए, सेकेंड केस व्हेन कॉन्वेक्स साइड इज सिल्वर्ड, तो हमारा फोकल लेंथ क्या आ रहा है, तब हमारा हो जा रहा है ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स साइड मिरर है तो हमारा एफ एम क्या हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल, सॉरी दिस इज, चेक कर लेते इसमें हमारा कितना हो रहा है, 20 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एफ एम कितना हो जाएगा, आर बाय हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। तो इसके हिसाब से अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 1/20 इज इक्वल्स टू 2/f माइनस 2 माइनस 1/fm, ठीक है। तो fm की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू, और देखिए यहाँ पर हमारा सिल्वर्ड हम इस साइड से कर रहे हैं तो हमारा जो कर्वेचर का फॉर्म मतलब फोकल लेंथ आएगा वो नेगेटिव साइड आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2/f माइनस रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/r, ठीक है, और ये हमारा प्लस में ही रहेगा क्योंकि इस साइड है हमारा प्लेन, ये वाला सरफेस नहीं है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब एफ ऑफ एम हमारा यही आएगा, दिस इज पॉजिटिव साइड। इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1/20।
अब f की वैल्यू हमने प्रीवियस उसमें निकाली थी 120 था, तो ये कितना हो जाएगा 1/60, हो गया 1/20 प्लस 2/r। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2/r इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 1/20 माइनस 1/60। एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 120 या 60, 120 ऊपर आ जाएगा 6 माइनस 2 दैट इज 3, 4/120, 4/120 यानी 1/30, ये हो गया 2/r। तो इससे हमको r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 60 सेंटीमीटर। हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया 60 सेंटीमीटर और लेंस की फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट की थी 120 सेंटीमीटर। अब अगर हम रिफ्रैक्ट फोकल लेंथ फॉर्मूले में पुट करते हैं, फोकल लेंथ फॉर्मूला उसके हिसाब से हमको क्या मिल जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/120 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r कितना है 60। ये 60 और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा म्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.5 और म्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.5 यानी कि 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू 1.5। ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।